आज 4 मई है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ नजर आए और उनकी धर्मपत्नी भी आज उनके साथ थी। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये हैं रोहतक के अंबेडकर चौक की, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में उनके समर्थक आज वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा अब की बार बहुत भी भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो जनसैलाब आप देख रहे हैं ये बिना किसी कॉल के है वहाँ पर पहुँचा था। तमाम चैनलों पर आपने देखा होगा कि सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी और ये तस्वीर वो हैं जो गलियों से निकल निकल कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पहुंच रहे कार्यकर्ताओं की हैं। ये अंबेडकर चौक के बाईं तरफ की हैं और जहां जहां से भी लोग वहां तक पहुंचे वो हमने आपको दिखाया। जाम था वो काफ़ी लंबा था, काफ़ी दूर गाड़ियों को रुकवा दिया गया था। इससे ये साबित होता है कि कोसली से, महम से, रोहतक से, जज्जर से, बहादुरगढ़ से और बेरी से, कलानूर से, तमाम हलकों से आए लोगों ने हमें ये रिपोर्टें दी कि अब की बार है वो लीड है काफ़ी बढ़ेगी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग है वो 2 और 2.5 लाख के बीच में जीतेंगे। शुक्रिया।